हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर रूटिंग सिस्टम। ऑर्डर रूटिंग सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है? द सेबी कमिट्स ऑन इंटरनेट बेस्ड सिक्योरिटी ट्रेडिंग सर्विसेज हैज अलाउड द नेट टू बी यूज्ड एज एन ऑर्डर रूटिंग सिस्टम ORS थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए, ऑर्डर रूटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसको सेबी के द्वारा परमिशन मिला हुआ है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, आप उनके द्वारा, यानी वो आपका काम कर सकते हैं। वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, अगर कोई भी इन्वेस्टर है जो रजिस्टर्ड ब्रोकर के द्वारा अपना काम करा रहा है, तो रजिस्टर्ड ब्रोकर का ये हक होता है, या उसको, मान लीजिए उसकी एक परमिशन होती है कि वो अपने, अगर क्लाइंट उसका नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे उसका वर्क अपने क्लाइंट का कर सकता है। अंडर द ऑर्डर रूटिंग सिस्टम द क्लाइंट एंटर हिज रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी क्वांटिटी प्राइस बाय सेल इन ब्रोकर साइड। और उसमें देखिए क्या करना होता है, क्लाइंट को बस अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट करनी होती है। कहाँ? ब्रोकर्स की एक साइट बनी होती है, तो उसमें क्या करना होता है, वो कौन सी सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहता है, किसकी सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहता है, कितना खरीदना चाहता है, उसका प्राइस कितना होगा, वो बाय करना चाहता है कि सेल करना चाहता है, वो सारी चीज़ें उसको ब्रोकर्स के साइट होती है उस पर अपलोड कर देना होता है। तो जिसकी वजह से ब्रोकर क्या करता है, फिर फर्दर उसका ट्रांजेक्शन नेक्स्ट अपना ऑर्गेनाइजेशन से करवाता है। तो होप आपको ऑर्डर रूटिंग सिस्टम का मतलब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू। और अगर किसी को PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें।